अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू द थर्ड विज़िट इन संभल। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। सॉरी भाई, कहाँ पर आए हैं हम, क्या देख रहे हैं, थोड़ा बताएं पहले लोगों को आप। भाई हम आए हैं संभल जी। जी ये बरबरी नटिया हैं तीन जी। तो कौन भाई संभालते हैं यहाँ पर? ये हमारे साबुद्दीन भाई हैं। साबुद्दीन भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। सो साबुद्दीन भाई, शौक कब से कर रहे हैं आप? शौक काफ़ी पुराना हाशिम भाई जी। तो बेसिकली ये शौक के तौर पे आप लोग एक दो रखते हैं घर में? ये शौक में स्टार्ट कैसे हुआ था संभल में? जब एक दूसरे को देख देख के सब हुआ। बर्बरों पे ज़्यादा तवज्जो है आप लोग की? बर्बरों की ज़्यादा। एक एक करके बकरे दिखाऊंगा, पर ये शौक में आप लोग खाने में क्या देते हैं भाई? इनके लिए हम ज़्यादातर चने और शाम की पत्ती। सब जगह में चना इतना महंगा फीड होने के बाद भी चना क्यों देते हैं? उससे भाई बस शौक है, शरीर के बराबर जी। शौक में पालते हैं, शौक में कीमत नहीं देखी जाती। और हर जगह की अपनी अलग भराई सिस्टम है। यहाँ का देखा हूँ सिस्टम सबसे अलग है। यहाँ आप गुलेर के पत्ते हो गए और चने हो गए, इसके अलावा तीसरी चौथी चीज कुछ नहीं है। और जब तैयारी पे लेना हो तो एकदम उसके बाद में ये अपने आप धीरे धीरे तैयार हो जाता है। एक महीने में कितना ग्रोथ लेते हैं? लगभग 5-6 किलो। मतलब नॉर्मल बकरों की तरह ले ही लेते हैं। इनकी हाइट कम होती है लेकिन वजन अच्छा कर लेते हैं। साबुद्दीन भाई, ये जो बकरा आपके हाथ में क्या डिटेल पे अभी है? ये 60+ है जी। 4 दांत है। 4 दांत पे अभी। आपको क्या उम्मीद है इससे? वैसे मुझे उम्मीद है इससे 90+ पहुँचेगा बकरा ईद तक इंशाल्लाह। तो ये आप सेल करना अभी चाहेंगे कि बाद में सेल करेंगे? सेल अभी का तो मन नहीं है जी। जी अगर कोई खरीदेगा तो फिर भराई पे भी रखना पड़ेगा ना। और ये बकरा क्या डिटेल पे आ रही है भाई? भाई ये ऐसे होगा 55 केजी होगा। 45 होगा। सही है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और शॉर्ट हाइट में जी, शॉर्ट हाइट का है। तो शॉर्ट हाइट में वजन ले लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया। और मैंने एक बात नोटिस की, बहुत मोहब्बती जानवर है। जी। एक जगह बैठ जाओ, जैसे साबुद्दीन भाई इसको हाथ फिरा रहे थे तो वो गुस्सा हो गया। इनके को नाम रखे हो साबुद्दीन भाई आप? नाम ये लालू है, ये वाइट है, है। ये लालू है और ये भूरा है। सलमान भाई बताएंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके बारे में आप ही बताइए भाई। बहुत खूबसूरत है, पतीरा जैसा है। 55+। तो इसको भी बर्बर में बोलोगे कि देसी बोलोगे? जी बर्बर है। तो इसकी हाइट लेंथ इनसे बहुत बड़ी है। हाँ, ये बड़ी। ये दांतों में कितना है? ये दांतों में साथ ऊना है। ऊना है अभी, अदन बच्चा है जी। क्या बात है, अदन पे अच्छा ग्रोथ लिया है। ये तो खुद खा के ही है कि भराई पे? ये भी खुद खाते। खुद खाता है। भराई पे कब लेंगे इसको? भराई पे अभी 2 दांत के बाद। 2 दांत के बाद लेंगे। सही है, बहुत खूबसूरत है। ये बेचने का कुछ विचार है अभी? अपने बेचने का विचार नहीं है। अब इसको शौक करेंगे। तो जैसे बकरे धोती आप लोग 2-3 बकरे ले आते हो जी, जी। मंडी से या कहीं दोस्त से? मंडी से लाते हैं, किसी गांव से लाते हैं निकाल के। साबुद्दीन भाई लाने के बाद क्या करते हैं, सेट कैसे करते हैं इनको अपने घर पे? लाने के बाद छोड़ देते हैं भाई इसको। क्या खिलाते हैं? कुछ नहीं, बस अपने आप पत्ता खाते रहते हैं। चने अभी चालू नहीं करेंगे? चने चालू नहीं करते, हमारे हाथ पे धीरे धीरे आने लगता है, उसके बाद हम इसकी डाइट शुरू करते हैं। डाइट में आप चना ही साबुत दे देते हैं भिगा के? साबुत चना ऐसे ही साबुत दे। कितना देते हैं एक टाइम पे इसको चना? 400 ग्राम चना काफ़ी होता है इसके लिए। 400 ग्राम भले 2 टाइम में दे दो या 1 टाइम में दे दो? 1 टाइम दे दे, सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में खाता है, फिर दिन भर आराम जी, जी। शाम को पत्ते खाता हूं। शाम को पत्ते। मतलब वो सिंपल तरीके से आप लोग पालते हो जी, ज़्यादा मगजमारी नहीं करते हैं? सुबह को खिलाकर शाम को जाते। ज़्यादातर क्या बीमारी देखी जाती है भाई इसमें, इसके अंदर ये बकरों में क्या बीमारी ज़्यादा आती है? फिर भी जैसे बुखार वगैरह है, ऐसा कोई बड़ी बीमारी है? नहीं नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं आती। इनको बचपन में खस्सी कर देते कि बाद में पंच कर दे, वो ज़्यादा बेहतर होता है? हमारे यहाँ पर यही ज़्यादा होता है, बचपन का खस्सी। सही है। ये ज़्यादा वेट लेने के बाद में पैरों से क्या चलने में इनको कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिट रहता है। ठंडी में इसको तेल घी कुछ देते? तेल और घी दोनों देते हैं। सही है। इनकी वैक्सीनेशन वगैरह करते हो आप लोग? जी वैक्सीन लगवाते, वैक्सीन लगवाते रहते। एक अच्छा नटिया ढूंढने से क्या क्या मुराद है, मतलब क्या क्या चीज़ें देखी जाती है उसमें बता? सबसे बड़ा उसकी क्वालिटी देखी जाती है, मतलब कैसी है ये देखने में, कैसी चल रही है, मतलब इसकी खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान देता है। बनाव देखे जाते हैं, बच्चे के जिस्म देखा जाता है। सही।
तो अगर किसी को खरीदने में इंटरेस्ट होगा तो साबुद्दीन भाई को फ़ोन कर लेना। साबुद्दीन भाई आपका नंबर दे दो ना लोगों को। 9656491916125। वैसे तो जैसे ये शौक में बहुत पाल रहे हैं, पर अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट फिर भी करो, इंशाल्लाह ये नहीं तो अरेंज करा के देंगे आप, ठीक है। आप अपना नंबर दे दो लोगों को। मेरा भाई 75 जी, तो सलमान भाई आप अपना नंबर दे दो इसके। 9572957588। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लो। ये गुस्से वाले भी बहुत होते हैं साबुद्दीन भाई, है ना, बरबरे नामचीन होते हैं फाइट में। तीनों को छोड़ो ना, जा देखते क्या होता। ये बगल वगैरह भी निकल जाती है अपने आप। जी जी बिल्कुल, अपने आप निकल जाती। बकरा ईद में नॉर्मली यहीं से बिक जाता है कि आप लोगों को मार्केट जाना पड़ता है? घर से जाते हैं, हमारे मंडी नहीं जाते हैं। कौन, यहाँ के व्यापारी आते हैं लेने? व्यापारी आते हैं काफी काफी दूर से, घर से बिक जाते हैं, फिर यहाँ से बम्बई ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते, कलकत्ता ले जाते। कलकत्ता में है इनका डिमांड। सो ये वीडियो अगर देख रहे कलकत्ता वाले वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेनें तो सब जगह के लिए, सब जगह चले जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, साबुद्दीन भाई, सलमान भाई, आपका भी। और मज़ा आ गया संभल के कबाब खा के। हाँ, यहाँ की यूनिक चीज़ है। जी भाई बहुत सेल होती है। सानू भाई मज़ा आया कि नहीं कबाब खा के? एकदम सुस्त हो गया तुम्हें भाई, खा पी के एकदम टाइट हो गया। हाँ भाई मज़ा आया ना, माशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, ये एक और वीडियो देखे आपने फ्रॉम द किंग ऑफ संभल्स, संभल ज़बरदस्त। इसके बाद कहाँ जाने वाले अपन भाई? भाई इसके बाद मैं चलता हूँ गाँव पवासा। पवासा ठीक है, तो वहाँ से इंशाल्लाह फिर मंडी की तरफ रुख करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।